हेलो, दिस इज़ मुकेश छाबड़ा एंड मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ बॉलीवुड के अंदर। कास्टिंग डायरेक्टर जो डायरेक्टर के विज़न को हेल्प करता है पूरा करने में, फाइंडिंग अ राइट एक्टर फॉर द फिल्म, जो जिस डायरेक्टर को जिस टाइप के कैरेक्टर उसने दिमाग में सोचे होते हैं, उसको हमारा काम है उस तरह के कैरेक्टर को लाके उनको सपोर्ट करना, तो जो उनका जो विज़न है उसमें उनकी हेल्प करना। वो मेरे घर के सामने से निकलती थी, थोड़ा शर्माती थी, थोड़ा लजाती थी, शायद कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाती थी। बाद पता चला वो क्योंकि गुटखा चबाती थी। हाँ, जैसे किसी नए न्यूज़ तरह, जैसे मैंने कायपोचे किया था तो नए एक्टर को ढूंढना तो मैंने काज किया था। अगर आजकल जितनी फिल्मों के अंदर अगर वो स्टार चाहिए होते हैं तो ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान भाई और शाहरुख सर ऑल, लेकिन जो भी उसके बाद जितने भी लोग हैं तो ऑलवेज मैं देयर इन दैट डिस्कशन कि हु फिट्स द बिल, जो कौन सही है क्या सही है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि जब वो हमसे भी उस लेवल पर डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर कौन लड़की या कौन नया लड़का या कौन सा स्टार ठीक लगेगा। आई थिंक आई सम 87 हार्ड ड्राइव जिसमें सारे एक्टर्स के ऑडिशन होंगे एंड जो रेगुलर इंट्रोडक्शन हम एवरी डे लेते हैं जिसमें 3-4 लोग रोज आते हैं, तो पिछले 3-4 सालों से वो सिलसिला चलता जा रहा है। अभी ये फिल्म है जिसमें बास्केटबॉल इज द मोस्ट रियली गुड थिंग आई एडजस्ट करते हैं स्पेलिंग से। अभी एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे हम जो इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हम वो बेसिक शॉर्टलिस्ट ये करते हैं कि हमारे जो फिल्म का ब्रीफ है उसमें हिसाब से कौन जो उसके नज़दीक जाता है। हम लोग पहले उन लोगों का फोल्डर बनाते हैं, अगर हमारी फिल्म यूपी में भेजता है तो पहले हम देखते हैं कौन लोग यूपी के हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, तो उन लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर हम लोग गुजराती फिल्म हमारा बैकग्राउंड है तो बॉलीवुड गुजराती एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका एज ग्रुप देखते हैं किस एज ब्रैकेट में वो लोग जाते हैं, और फिर देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है और हम किसको छोटे रोल के लिए बड़े रोल के लिए, तो हम लोग ये सब सेग्रीगेट करते हैं किसको किस तरह के रोल में डिवाइड करना है। तो मेरे साथ जो टीम है असिस्टेंट की, वो एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें ऑल गुजराती एक्टर, फिर उसका एसोसिएट जो है वो सेग्रीगेट करता है कि किस किस कैरेक्टर में कौन कौन से लोग जाएंगे, बट फिर वो मेरे पास फाइनल लिस्ट लेकर आते हैं, फिर मैं उस लिस्ट में से डिसाइड करता हूँ कि इन 3-4 लोगों को आप ऑडिशन कीजिए इस पर्टिकुलर रोल के लिए। जब ऑडिशन करके लाते हैं फिर मुझे वो दिखाते हैं, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी सुनता हूँ, अगर दूसरी बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बाप की भी सुनता हूँ, अगर तीसरी बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद वेरी गुड मेमर। बिल्कुल सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा च्यवनप्राश और बादाम खाने चाहिए आई थिंक, क्योंकि उसके बगैर माइंड बिल्कुल भी, क्योंकि आज जब तक आपको याद नहीं आएगा कि किस एक्टर को कहाँ पे कास्ट करना है तो आपका कुछ मतलब नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर बनने का। बिल्कुल अगर मैंने किसी एक्टर को बहुत साल पहले किसी नाटक में या किसी फिल्म के अंदर देखा हो, अगर मुझे उसको दोबारा से बारे में सोचना, मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने किसको देखा। मुझे याद है कि मैंने शाहिद में राजकुमार राव की माँ के लिए जो एक एक्ट्रेस को दिल्ली से बुलाया था उसको मैंने 13 साल बाद कॉल किया था, क्योंकि मुझे उसका एक नाटक का इमेज याद था। यस, आई डोंट नो हाउ डू यू गेट टू नो ऑल दिस। यस, तो मेरे घर में भी राइटिंग पैड है, मेरे बेडरूम में हर जगह एक बोर्ड लगा रहता है, मुझे कोई भी एक्टर याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपने में भी कास्टिंग का सोचता रहता हूँ कि अरे यार उसके रोल के लिए किसी को कास्ट करना है तो उसका नाम मैं लिख लेता हूँ। मैं जब भी किसी नए एक्टर को मिलता हूँ तो मैं उनसे बातचीत बहुत करता हूँ कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से किया, आपके स्कूल के आपने कितना थिएटर किया है, और आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा क्या है, क्योंकि जितना बातचीत करते हो आपको उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ पता चलती है, तो दैट आई कैन कास्ट बेटर टू दैट व्हेन आई नो कि ये किस बेल्ट के हैं, वेयर दे बिलोंग, व्हाट आर ऑल दी स्टडीज, वो सब जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। कायपोचे की कास्टिंग माई फेवरेट एंड जिसमें सुशांत, राजकुमार और अमित साध का सिलेक्शन लग, मुझे बहुत खुशी हुई थी। एंड चिल्लर पार्टी में ऑल द किड्स एंड ऑफकोर्स गैंगस्टर वर्सेस में तिग्मांशु धूलिया, पंकज त्रिपाठी, ऑल दिस एक्टर, शाहिद में जो बजरंगी भाईजान में जो हर्षाली मल्होत्रा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। यस, आई एम डाइंग टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 4-5 आवर्स। कुछ याद नहीं, मैं लास्ट टाइम 4 घंटे कब सोया था, 7 इन द मॉर्निंग टू 10 in the night, and your mind is always working, so I don't think so ki there is no fixed hours. Very, you know, toward the end of the day you feel very drained because so many people expectations, so many people
is asking and looking for work, and when you say there's nothing for you, you don't fit the bill, आप प्लीज बाद में आइए, आपका इसमें तो नहीं होगा. तो आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट हार्ट जो होता है वो पूरा दिन में जब आप घर जाते हो तो रियलाइज कि हाउ टायर्ड यू आर मेंटली. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग चिल्ड्रन पार्टी, आई पिक्ड अप अ बॉय कॉल्ड इरफान फ्रॉम द स्ट्रीट. आई वेंट टू हिज हाउस, आई फॉलोड हिज कि ये कहाँ पर रहता है. देन आई वेंट टू हिज हाउस, हिज मदर थॉट आई एम सम बच्चों को उठाने वाला कोई लड़का हूँ. तो वो मुझे उन्होंने सोचा, देन उनको कन्विंस किया, उस बच्चे को लेकर आया, उसको ट्रेन किया, देन गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन पार्टी. तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है. My advice, just don't sit and waste money on coffees. Just go and learn acting. Just act and come here. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं, अच्छा कंटेंट दिखना है, तो फिल्म कंपेनियन के जाइए और ये हिट दैट बटन जो आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा है या साइड में आएगा या लेफ्ट में आएगा, आप देख लीजिए, पर हिट दैट बटन और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए. थैंक यू सो मच.